गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पीयूष पांडे सर आए हैं, हम सबके बहुत फेवरेट, और सर ने 19 इंडिया खेला और काफ़ी यूपी के लिए रिप्रेजेंट किया। तो सर आज आए हैं, बैटिंग खुद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर को जब अपने टाइम से फ्री होते हैं तो आ जाते हैं मैचेस खेलने, बैटिंग करने, नेट्स करने। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत एक बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि लिए एक अलग से आके जो बच्चों के मन में डाउट होता है बैटिंग के लिए और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं एक अपने सीनियर प्लेयर से अगर हम नॉलेज लेते हैं टेक्निकल बैटिंग के बारे में, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्प होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हम बच्चों में बहुत सारा ऐसा होता है कि कुछ ऐसा फॉल्ट होता है जो कि हमें कुछ सर से पूछना होता है, इन बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूज, तो सर बीच बीच में आते रहते हैं और बच्चों को बताते रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपसे आपका अपना पीयूष पांडे जुड़ता हुआ। आज हम यहाँ पर इन बच्चों के साथ जुड़ने का ये प्रयास कर रहे थे और मैंने कहा कि कुछ अपने पुराने शॉट्स भी इनको दिखाऊँ कि जो मैं खेला करता था। तो आज का विषय सिर्फ बैटिंग पे है, तो थोड़ा सा तो आज सर आपके शॉट्स भी देखे और बहुत शॉट्स के सीनियर प्लेयर रहे हैं, उनसे तारीफ भी बहुत सुना, और कहीं ना कहीं सर हम इन बच्चों के लिए मैं चाहूँगा बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि ये जब बच्चे बैटिंग करते हैं तो इनके मन में कुछ डाउट हो जाता है कि क्या मैं ऑब्जर्वेशन करूँ जब बॉलर डिलीवर करता है तो किस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, या कि जब हम बैटिंग मैचेस होते हैं, ट्रायल मैचेज हुए या कहीं मैच खेलने जाते हैं, तो हम मैच में क्या प्रिपरेशन होना चाहिए कि एक लंबी इनिंग हम खेल सकें, तो किस जो पहला 5 ओवर होता है या 10 ओवर होता है किस तरीके से सर लेके चले कि आगे हम अपनी टीम के लिए स्कोर एक लंबा कर सकें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आसिफ भाई, और मैं यही कहूँगा कि बच्चों मैच खेलते हो आप लोग तो एक दिन पहले से जुड़ने की कोशिश करो। होता क्या है कि हम लोग ग्राउंड पे जाकर जुड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, आप शाम को अपना पूरा किट बैग देखिए, किट बैग में अपने पैड्स को देखिए, क्योंकि आप आपके पैड्स पता चला एक उसका आपने कसने की कोशिश की तो एक फ्लैप गायब है, तो अपनी पूरी प्रॉपर किट चेक करिए, जूते चेक करिए साफ़ है कि नहीं, और कोशिश करिए कि अपनी पूरा किट बैग साफ़ करके ग्राउंड्स पे जाएं, रनिंग करें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जाते ही बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। आप जाइए वार्म अप करिए ग्राउंड पर और उसके बाद खुद कॉन्सेंट्रेट करिए, आप विकेट्स को रीड करिए जाके, आप इधर उधर मत घूमिए, इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, आप जाइए विकेट्स को देखिए, क्योंकि उन विकेट्स पर आपको खड़े होकर अपनी वो परफॉर्मेंस करनी है, पूरे दिन आपको खेलना है। तो वो विकेट कैसा है, वो गीला तो नहीं है, अगर वो गीला है तो हमें कैसे बैटिंग करनी है या कैसे बॉलिंग करनी है, अगर वो सूखा है, ड्राई है बिल्कुल, हो सकता है वो नीचा चल रहा हो, तो उसमें किस तरह आपको खेलना है, हर स्थित परिस्थिति में आपको खेलना आना चाहिए। वेदर कैसा है, बहुत गर्म तो नहीं है, आप उस वेदर में अपने को एडजस्ट करिए, बहुत ठंडक पड़ रही है तो एडजस्ट करिए। तो उसके बाद अब आप चूँकि आपने ये सब खुद रीड कर लिया है, अब आप जब ग्राउंड पर गए, ग्राउंड पे जाने के बाद आप इधर उधर दिमाग आपका नहीं चलना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए अपनी जो आप आपका नॉन स्ट्राइकर एंड है उसके साथ बात करते रहिए, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ अभी, आप नॉन स्ट्राइकर एंड के साथ बात करिए, उससे जुड़िए, क्योंकि वो और आप उस समय दो दोस्त हैं जो अगेंस्ट 11 खिलाड़ियों को हराने की क्षमता रखते हैं। तो आपस में हो सकता है कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हो, कुछ वो आपका साथी देख रहा हो, तो उससे जुड़िए, फिर आप रनिंग करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट, उसमें आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए, बॉलर रनअप पे जा रहा है तो उस रनअप पे वो जा रहा है तो किस तरीके किस तरफ गेंद को शाइन कर रहा है, अगर वो मीडियम पेस बॉलर है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी खड़े होकर उस बॉलर को रीड करिए, आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए, आप उस बॉलर को रीड करिए कि वो कौन सी ग्रिप पकड़ रहा है, किस तरह स्विंग कराएगा। और कई बार क्या होता है कि फील्डर्स इधर से उधर कैप्टन चुपचाप चेंज कर देता है, अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं तो अपने पार्टनर को बताइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, शुरुआत में जाते ही हिट करने की कोशिश मत करिए, अपने बेसिक पे जाइए, सिंगल डबल जो आप खेल सकते हैं उस पर खेल के अपने को पहले उस विकेट को रीड कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आसिफ भाई
बहुत एक अच्छा एक नॉलेज मिला और बहुत अच्छी एक बात समझने को मिली कि मैच जो हम प्रैक्टिस करते हैं इस प्रैक्टिस ही से नहीं है, कहीं ना कहीं हम अगर 100 कर रहे हैं अपनी टीम के लिए तो वो सारी प्रिपरेशन सर ने बता दिया। अभी हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो एक टॉपिक है ही कि हम जितना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैच से पहले एक दिन पहले जो तैयारी होती है कि सबसे पहले हम अपना किट बैग देखें, सारी चीज़ें हमारी हैं कि नहीं अवेलेबल, जिस हमें पैड से करना है, जो ग्लव्स चाहिए, जो हेलमेट एक्यूरेट है फिट कि नहीं, क्योंकि उसको हम अपने बॉडी में यूज़ करेंगे तो मुझे अनकंफर्टेबल कहीं महसूस ना हो। दूसरी चीज़ सर ने ये बताया कि बहुत अच्छी बात, एक नॉलेज की बात, बच्चों इस बात का बहुत ख्याल रखो कि आप जब बैटिंग पे जा रहे हो तो ये आप देखो ग्राउंड्स कैसा है, विकेट आपका कैसा है, उसमें नमी है या कैसा, आपको क्या विकेट कंडीशन है। उसके बाद फिर तीसरी टॉपिक सर ने दिया कि बॉलर की आप साइनिंग देखिए और सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट आप बॉलर को करते रहिए कि बॉलर क्या कर रहा है उसको वॉच करिए, और आपका सिर्फ कॉन्सनट्रेट लेवल ये दो प्लेयर रनिंग बिटवीन द विकेट, ये दो प्लेयर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर में इतनी अच्छी तालमेल होनी चाहिए। सारी चीज़ें सर एक मतलब आप प्रैक्टिस करने पहले जो 100 बना रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सर जोड़ लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि सर आपने बताया बॉलर को देखो, फिर सर ने एक बात और बताई जो आजकल बच्चे जो ये नहीं कर पा रहे, मैं कुछ बच्चों को ऐसा देखता हूँ जो कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो रही है, तो आप सीखने के एज में हो, गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ को सीख लें आप। कैप्टन कभी ऐसा होता है कि वो फील्डर चेंज कर जाता है, और जब बैट्समैन से हम लोग पूछते हैं कि कैसे आउट हुए तो बताया कि सर वहाँ मैंने शॉट खेल दिया और मुझे पता नहीं चला कैच हो गया। तो सर ये बहुत एक अपने लाइफ का जो आपने 19 इंडिया खेला और इतना रिप्रेजेंट आपने किया, कहीं ना कहीं वो इतना अच्छी चीज़ आप लोगों को मिला, ये सर बहुत खुशी की बात है इन बच्चों के लिए। हाँ तो मैं सर इन बच्चों से कुछ पूछ लूँ, अगर इनको डाउट हो तो सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ मैं एक और बात, चूँकि एक टॉपिक हम लोग का मिसिंग हो गया था कि जब हम बैटिंग के लिए अब क्रीज पे पहुँच गए हैं है ना, तो अब हमको अपनी टीम को जिताना है, अपने लिए रन बनाना है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपको 10 रन चेस करना है, 11 रन चेस करना है, या आपको विकेट नहीं देना है, तो उस सिचुएशन में कैसे खेलना है ये आपका दिमाग काम करेगा वहाँ, है ना। आप जैसे आपको देखना है कि 10 या 11 रन चेस करना है, तो अब आपको क्या, आपका क्या दिमाग में चलना चाहिए कि फील्डर्स कहाँ कहाँ लगे हैं, कहाँ गैप है, अब आप वहाँ पर गैप को ढूंढेंगे। आपको ऐसा लगा कि इसने मिड ऑफ को ऊपर लिया हुआ है और उधर पीछे गैप मुझे दिख रहा है या एक्स्ट्रा कवर पे गैप है, तो मैं अपने शॉट को उधर बनाऊँ क्योंकि वहाँ पे आपको रन मिलेगा। तो ये छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, या कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि आपको अपने विकेट को सेव करके चलना है तो उस परिस्थिति में कैसे खेलना है, तो आप नेट्स पे भी ये कोशिश करिए जब जाइए तो किसी दिन आज मुझे स्ट्रोक खेलना है, आज मैं मुझे आउट नहीं होना है, तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो सब बच्चे आगे बढ़ोगे मुझे ऐसा लगता है। सर ये भी सर ने फिर हर स्टेप पे सर ने कोई ना कोई एक नॉलेज देते रहे हैं। आप नेट्स करने आए हो तो ये प्री प्लान रहे कि हम मैच खेलें, और नेट्स में ये कोशिश करो कि आप ये ऑब्जर्वेशन करो कि कौन फील्डर कहाँ लगा है, इस सिचुएशन में खेलें, जी सर सही बोल रहा हूँ सर, इस सिचुएशन में हम खेलें कि हमारे फील्डर्स कहाँ लगे, कैसे मुझे रन निकालना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमें लास्ट में 10 रन चाहिए होता है और जिस जो कंडीशन है मैच का उस कंडीशन के हिसाब से खेले, 10 रन है तो हमारा फील्डर कौन फील्डर कहाँ लगा, किस गैप का गैप को ढूंढना सीखें, क्योंकि जो एक बड़े प्लेयर जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ख्याल करते हैं, और आप इस एज में हो कि आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मैं सबसे बड़ी बात ये है आसिफ भाई, आपने ये देखा होगा कि हमारे जो सीनियर क्रिकेटर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे एक रन को 2 रन में तब्दील कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा फील्डर स्लो है, आप दौड़ के तुरंत 2 के लिए पहले ही तैयारी करिए, पहला जो आप रन बिटवीन जो विकेट है आप तेज दौड़िए, है ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम आज का टॉपिक जो कि बड़ा हो रहा है इसको यहीं एंड करके इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का, इन बच्चों के साथ जुड़ने का। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हम लोग आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।